ओके आज फिर एक बार ये दूसरी कक्षा है और इसका हमने इस प्रोग्राम का जैसे कि आप लोग मैं देख रहा हूँ कि आप उसको समझ रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। कई नए स्टूडेंट के लिए तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि वो कम से कम ये तो सीख रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि आफ्टर ऑल सिलेक्शन आपके लिखने पर निर्भर है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे प्रारूप पे आ जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बोर्ड पर 5 मिनट पहले ये सब लिख देता हूँ, इससे एक आसानी होता है कि आपसे सीधे मैं बात करने की स्थिति में आ जाता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम का नाम अच्छी तरह समझ लीजिएगा, प्रश्न विश्लेषण कार्यक्रम और उत्तर लेखन प्रारूप, यानी कि यह प्रोग्राम जो है क्वेश्चन एनालिसिस प्रोग्राम के साथ आंसर ड्राफ्टिंग का है, उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो मेंस दिए हों, इंटरव्यू दिए हों, प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हों, ना किए हों, जिनको सिविल सर्विसेज में जाना या पीसीएस की परीक्षा में जाना, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक फ़ायदे का सौदा कर चुके हैं प्रयास आईएएस के साथ जुड़ करके। तो अभी मैं सीधे बता दूं कि आप इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, और मैं इसे बेशरम होकर के कहूँगा, बेशर्मी के साथ। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अब आइए यहाँ पर। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे टीचर हैं, पुराना टीचर जैसे जैसे होता है ना, पुराना चावल हो, पुराना चना हो, पुराना टीचर हो, बड़ा महंगा होता जाता है और उसकी हर बात की बड़ी वैल्यू होती जाती है। तो यहाँ पर आइए, आज मैं न्यायपालिका का क्वेश्चन लिया था, मैं थोड़ा सोचा हिस्ट्री का ले लूँ, इसका ले लूँ, हमने कहा अभी तो दूसरा ही लेक्चर है, अभी एक बार पॉलिटी का ही लेता हूँ। कल बड़ा सिंपल सा आपको इसका स्वतंत्रता अधिकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिया था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, आज मैं जुडिशरी से लिया हूँ। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है और इस सिंपल क्वेश्चन को जरा आप इस तरीके से पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आंसर में आएंगे। क्वेश्चन ये है कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका, वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय आप जानते हैं, उच्चतम न्यायालय जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, लेकिन मैं ये प्रश्न की भाषा बता रहा हूँ। तो मैं ये भी बता दूँ कि ये प्रश्न सिविल सर्विस 2017 में आया हुआ है, उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर बता दूँ कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका ने, यानी कि उच्चतर न्यायपालिका ने, इट मीन्स कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ने न्यायाधीशों के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि 2014 के, मैं पढ़ लेता हूँ, 2014 पर, यहाँ पर एक पर छूट गया था, 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के क्या कोई 2014 में कोई ऐसा विधेयक अधिनियम आया था, विधेयक जब पारित हो जाता है तो अधिनियम में बदल जाता है, तो लिख रहा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण करें। आप एक अगर सरसरी नज़र से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें एक ही बात, मतलब ये 3 लाइन में जो बातें हमने लिखा है, एक क्वेश्चन है केवल एक क्वेश्चन क्या है कि भारत में, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से इसको समझिएगा, इसमें साफ साफ एक क्वेश्चन क्या दिख रहा है, सब गुथा हुआ है कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका ने न्यायाधीशों के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण करें। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब आप इसका विस्तार देते हैं, विश्लेषण, तो कल की तरह आपको क्या करना, फटाक से पहले ड्राफ्ट बनाना। आप ये देख लीजिए कि इसमें एक ही टाइप से लिखना है, इसमें अलग अलग खंड कैसे बनाने, तो मैं उसको पहले समझा दूं। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, एक टाइप का क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उस पर 2014 जब लाया गया, सरकार द्वारा लाया गया, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, तो उस निर्णय का समालोचनात्मक आपको बातें कहनी है, समालोचनात्मक, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के संदर्भ को ध्यान में रख करके बात करना। तो समालोचनात्मक के भीतर क्या होता है अगर उसको मैं बताना चाहूँ, तो आपको पहले तो समालोचनात्मक का जब विश्लेषणात्मक पक्ष आता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष के साथ कारण देखना पड़ता है, पक्ष विपक्ष और कारण को आप देख लीजिए तो समालोचनात्मक के सवाल का आप उत्तर बना ले जाते हैं। अब इसमें देखिए, आप जब आएंगे विवेचना, जैसे मैंने बोला कि विवेचना कीजिए, जैसा चीज होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर मैं कॉमन वे में विवेचना एक शब्द लेता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि वो कोई घटना होती है तो उसको क्या करता है वो सिपाही दरोगा, क्या करते हैं, विवेचना करते हैं उसकी, तो हर घटना का करते हैं, चोरी का भी करते हैं, डकैती का भी करते हैं, किसी और भी घटना का करते हैं, यानी कि कहने का किसी भी घटना का विवेचना। तो ये आपके सामने एक
एक मसौदा आया, एक इशू आया, एक क्वेश्चन आया, एक कह सकते हैं कि घटना आई, अब उसका आपको विवेचना करना। विवेचना क्या करना है? विषय का विशदीकरण और विस्तार देना है। तो विस्तार कैसे देंगे? तो इसके उपभाग क्या बनेंगे? क्या हमने यहाँ पे लिखते हैं उपभाग, पहले लिखते हैं विवेचना, विवेचना के इधर लिखते हैं कि इसका विस्तार देंगे विषय का। तो विषय क्या है कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको समालोचनात्मक आपको बताना है, समालोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक, अब इसमें हमने देखा, आप देखेंगे तो हमने इसमें पाया कि इसको हम चाहें तो चार खंडों में बांट सकते हैं, चार खंड, जबकि इसमें दिख नहीं रहा। पहला खंड क्या करना है कि आपको सीधे वाद का निरूपण करने की बात करिए, सीधे पहले कैसे होता था, पहले उस पर आ जाइए, यानी कि 2014 से पहले, पहले की चर्चा कर दीजिए, फिर बताइए जब निर्णय हो गया, जब ये आया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, पहले ऐसे नियुक्ति होती थी 2014 में ऐसे हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक असंवैधानिक करार दे दिया। पांच एक, आप जानते हैं संविधान की जो पीठ होती है उसमें पांच जज होते हैं, पांच जजों की पीठ में जब ये गया मामला तो 4-1 से इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, यानी कि चार जज सहमत थे, चार जज असहमत थे और एक जज सहमत थे, यानी असंवैधानिक हो गया ये। तो इस पर फिर पक्ष में क्या होता, अगर माना सुप्रीम कोर्ट का, इसमें साफ क्वेश्चन को समझ लेंगे तभी उत्तर बनेगा। कई लोग सोचेंगे कि बिल के पक्ष विपक्ष में लिखना, गलत, बिल के पक्ष विपक्ष में नहीं लिखना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष विपक्ष में लिखा, लिख रहा है 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण करें। इसमें दो घटना हो जाती है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो नियुक्ति आयोग है, राष्ट्रीय प्रश्न का विश्लेषण यही है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पक्ष विपक्ष में नहीं लिखना है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से जो असंवैधानिक घोषित किया है उस पर क्या होना चाहिए, पक्ष सही है गलत है, यानी कि न्यायिक निर्णय का जो निर्णय लिया उसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष में लिखेंगे। पहले तो वाद से शुरू कर लीजिए, पहले कैसे नियुक्ति होती होती थी एक पैरा में फटाक से बता दीजिए, इसको परिच्छेद में लिख दीजिए, और इसको परिच्छेद में लिखने के लिए आप कम से कम 70-80 शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 80 शब्द में ये बता ले गए, और मैं बताऊंगा कैसे बताएंगे, 3-4 मामले बता दीजिए काम खत्म हो जाए, आप बहुत कम तैयारी में इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन आप दुनिया भर का तूफान किए रहेंगे, बाद में गलत लिख के चले आएंगे। पहली बात तो आपको ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष विपक्ष में लिखना है, ना कि नियुक्ति आयोग के पक्ष विपक्ष में लिखना है। यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये प्रश्न का विश्लेषण क्लियर हो गया। अब उत्तर के ड्राफ्ट में अगर आएंगे तो हमने विशदीकरण किया, इसका विस्तार किया, तो पाया कि पहले कैसे नियुक्ति होती थी, पहले उसको बता देते हैं, फटाक से बताओ, बिना देर किए बताओ, परीक्षण करना है तो पहले किसका, पहले कैसे होता था, फिर बाद में पक्ष में, पक्ष किसका, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सही था ये बताओ, दूसरा बताओ विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सही नहीं था, मतलब उसके विपक्ष में क्या चांसेस हो सकते हैं, तीन बातें ये बताया। अगर आप ये तीनों बातें भी बता के उत्तर बंद कर देते हैं तो आपने एग्जामिन कर लिया, क्या कर लिया, पहले कैसा था, निर्णय के साथ कैसा होता, और निर्णय के हम विरुद्ध जाएं तो कैसा होगा, आपने बता दिया। जैसे हमने दूध में से पानी निकाल दिया, तेल निकाल दिया, पेट्रोल में से वो जो है क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकाल दिया, डीजल निकाल दिया, या मिट्टी का तेल निकाल दिया, निकाल दिया। अब ये थोड़े ना लास्ट में लिखना है, अतः कह सकते हैं कि इस क्रूड ऑयल के भीतर तीन प्रकार के तेल छुपे हुए थे, ये लिखने की क्या जरूरत है यार, जब पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, मिट्टी का तेल निकल गया, तो जाहिर सी बात वही तीनों तो उसी में थे। अब ये तो कह नहीं सकते, अतः कह सकते हैं ये करके छोड़ दो, परीक्षण करके छोड़ दो, परख नली में सोडियम निष्कर्ष बनाए या अमोनिया बनाए, सिरके जैसी गंध आई, खत्म, सिर बन गया अमोनिया। कुछ चीज को ऐसे छोड़ो, तुम लोग उसको लगते हो लपेटने के चक्कर में, क्या और ज़्यादा उसमें शब्द भी जाता है, समय भी जाता है, और एग्जामिनर को इरिटेट भी कर देते। सीधी बात कहो, अब आपके सामने क्या आया, आप इसमें देखिए, MC गुमता बनाम भारत संघ का मामला ला दो,
एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला ला दो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन को ला दो, थ्री जजेस केस को ला दो और कॉलेजियम सिस्टम को ला दो। कॉलेजियम सिस्टम्स होता था, इन चारों की चर्चा कर दो कॉलेजियम सिस्टम सहित, आपको पहला वाला उत्तर पता हो जाएगा। 70-80 शब्द में ये कह चुके होंगे। उसके बाद आ जाओ पक्ष में, तीन बातें करीब पक्ष में बता दो, तीन बातें इसमें बता दो, किस में, विपक्ष में। पक्ष में आप अगर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, अगर पक्ष में आप बताना चाहेंगे तो जैसे अगर हम आपको ये बात उत्तर के तौर पे बनवाते तो सीधा बोलते कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखना जरूरी है और न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है वो उसकी ताकत है। और अगर यही विपक्ष में कहेंगे तो न्यायपालिका के पृथककरण के सिद्धांत के खिलाफ अगर कोई चीज हो रहा है तो फिर ये सिस्टम लाना चाहिए, यानी कि कहा जाए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह न्यायपालिका पर छोड़ना शक्ति के पृथककरण के सिद्धांत के खिलाफ है, ये विपक्ष में लिख दीजिए। और पक्ष में लिख दीजिए कि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी, एक कुछ हो गया पक्ष में एक विपक्ष में, यानी कि अगर ये आ गया तो अधूरी हो जाएगी। इसको उन्होंने असंवैधानिक संविधान वो न्यायपालिका ने घोषित कर दिया तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये पूरी रहेगी, इसका फ्रीडम पूरा रहेगा न्यायपालिका का। अगर दूसरे बिंदु में अगर इसी बात को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के बाद की क्या स्थिति बनेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच तनाव में वृद्धि हो सकती है, अगर वो लोग नियुक्त करने लगेंगे तो वृद्धि होने की संभावना होगी, ठीक है, जिसका प्रभाव न्यायपालिका के कार्य दक्षता और प्रतिष्ठा पे पड़ सकता है, ये बता दीजिए पक्ष में। इसलिए असंवैधानिक घोषित करना सही है। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था भी तो ठीक ढंग से चल रही है, इसमें ऐसी क्या कमी है, आप कह सकते हैं नई व्यवस्था चुनौतियों को जन्म दे सकती है कॉलेजियम जैसे सिस्टम को, इसलिए ये ठीक है, ठीक है ना। अब विपक्ष में अगर बताना है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का भी अधिकार होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कार्यपालिका का अधिकार होता है, ऐसे विश्व के सभी देशों में है, तो क्या दिक्कत क्या है, आप समझ गए कि नहीं। इस तरीके के पॉइंट को पक्ष विपक्ष में ला करके छोड़ कर चले जाइए, ठीक। हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये पक्ष अगर बनता है इसमें तो पक्ष विपक्ष में इसको आपको ठहराना है। तो कुल मिलाकर के 4-1 से जो असंवैधानिक घोषित किया, इस प्रश्न को समझिए। अब हम बता चुके हैं, हम छोटा छोटा इसी भाव बताएंगे, लिखना आपको है, जब आप लिख के हमको उत्तर देंगे ना तब उसमें हम आपका शब्द देखेंगे, वाक्य देखेंगे, वाक्य विन्यास देखेंगे, तथ्य देखेंगे, आपके अवधारणात्मक पक्ष देखेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी चाहिए उसकी संतुलन देखेंगे, 8 प्रकार की चीज़ देखते हैं हम एक उत्तर में जो 200 शब्दों का होता है। और अगर हम इसमें तीन तीन बातें कहें, हमने 80 शब्द आपको यहाँ बता दिया था, यहाँ पर अगर हम बात करें तीन 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 पॉइंट का तो 40-40 शब्द में तीन पॉइंट आ जाता है, 8-4 160 शब्द हुए, 160 शब्द में भी उत्तर ये लिख सकते हैं, लेकिन आप और चांसेस लेके 20 शब्द इसमें प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लिखने में कुछ अलंकारित कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ये 180 से 175 का शब्दों का सवाल बना के छुट्टी करिएगा, और इसके लिए तीन चीज खोज लीजिएगा। पहला, पहले क्या था, क्या कारण है कि ये 2014 में लाया गया, पक्ष क्या है जो असंवैधानिक घोषित हुआ, उसका पक्ष क्या है और इसका विपक्ष क्या है, उत्तर छोड़ दीजिए, 180 से 185-175 में लिख करके चले आइए, क्योंकि अंग्रेजी में यही लोग 200 शब्द लिखेंगे ना, अंग्रेजी में अगर 200 शब्द लिखेंगे क्या समझे, आप अगर 200 शब्द लिखें जितने समय में, अंग्रेजी वाले 240 शब्द लिख लेते हैं, एक कॉमन फिनोमेना बता रहे हैं। इसलिए आप 180 शब्द लिखिए, अंग्रेजी वालों को लिखने दीजिए 200 शब्द, पिछड़ने का एक कारण है कि आप भी 200 शब्द वो भी 200 शब्द, उनकी स्पीड तो ठीक होती है। अगर मुझे प्रेसिडेंट लिखना है और राष्ट्रपति, उनको प्रेसिडेंट लिखना है आपको राष्ट्रपति लिखना है, तो जरा सोचिए कितनी बार पेन उठाएंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी लिख चुके होंगे जब तक आप राष्ट्रपति ही लिख रहे होंगे, तो कुछ चुनौतियाँ यहाँ भी हैं,
ठीक है, तो आज के इस ड्राफ्टिंग में, इस लेक्चर में, अभी हम इसको एक सामान्य बोर्ड पे कर रहे हैं, अभी डिजिटल बोर्ड पर जब इसको लाएंगे तो आपको हम आंसर भी देंगे, जो हम बता रहे हैं ना इस तरफ समझाएंगे और इस तरफ इसका पूरा आंसर भी लिखा होगा। बाकायदा 150 आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा 40 प्रकार से। अभी ये समालोचना का संदर्भ लिया हूँ, कल मैंने आपका किस पे लिया था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, टिप्पणी कराई थी, टिप्पणी थी, आज समालोचना। दो तरीके की चीज़ आप जान गए, निष्कर्ष की कोई ज़रूरत यहाँ भी नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा है। लिखने का तरीका क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला है उसको परिच्छेद में लिखिए, और जो 1, 2, 3, 4 दो बार आ गया ना पक्ष विपक्ष में, अनुच्छेद में हो गया, और ये लास्टली निष्कर्ष कोई आवश्यकता नहीं है, परीक्षण करके छोड़ दीजिए, एग्जामिनर को नंबर देने दीजिए। और मैं समझता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, लेक्चर को बार बार देखिए, आपको अभी अभी धीरे धीरे बहुत ही बूस्टअप जब हो जाएंगे तो थोड़ी सी पढ़ाई, इसमें बहुत मामूली पढ़ाई है, हालांकि गहराई है बट पढ़ाई मामूली है। और आप प्रेस्क्राइब करना सीख लीजिए तो आपको पता चल जाए कि एक किताब आपको पूरी भरपूर सिविल सर्वेंट बना सकती, केवल एक किताब संविधान की। यहाँ वहाँ के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़िए, आज यही बात ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।